अब इस सोल्यूशन में जो वर्किंग है इन फिगर्स की जो मैंने डिस्कस तो की है लेकिन आई स्टिल वॉन्ट टू शो यू द वर्किंग एजेंसी सेल्स एज हैज्रीटेड सेल इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ शर्मा तो एक्चुअली ये सेल्स नहीं है इसमें सिंपल एडजस्टमेंट क्या है कि आप सेल्स को डेबिट करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट करें और कमीशन को क्रेडिट कर लें सिंपल यानी आप एक ही एंट्री डालें और इससे देखें सेल्स कम हो जाएगी कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका कमीशन एक मिलियन का आ जाएगा फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप देखें कि जो दी हुई है उसमें आपने ये आठ और तीन ग्यारह जो इस सेल से आया है वो फिगर शामिल हो जाएगी डेप्रिसन ऑफ बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया कि बिल्डिंग अगर सिक्सटी की है और उस पर आप थर्टी से डिवाइड करें तो दो मिलियन की आपकी डेप्रसीशन में चार्ज हो जाएगी प्लांट को ज़रा देखना पड़ेगा कि उसकी कैरिंग वैल्यू क्या रह जाती है आफ्टर टेकिंग आउट दी हेल्ड फॉर सेल तो उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो छः मिलियन की आती है अमोर्टाइजेशन का भी मैंने आपको बता दिया कि वो चालीस थी तो उसमें से हर साल आठ आपने चार्ज कर ली आठ आपने अब चार्ज करनी है तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और फिर आपने जो कंपेयर करना है ट्वेंटी फोर जो बचेगा उसको ट्वेंटी टू के साथ इम्पेयरमेंट तो आ जाएगा आपका दो हज़ार दो मिलियन का इम्पेयरमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अब देखिए इसकी कैलकुलेशन नोट में है आगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट हेल्ड फॉर सेल्स ये दो फिगर्स हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं इनको ज़रा समझना है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है आपकी वन ट्वेंटी एट की आ गई अब आए नॉन करंट एसेट्स में जो मेन इशू है बिल्डिंग का तो क्लियर है कि वन मिलियन हंड्रेड मिलियन से फोटी लैंड निकाल दी तो बाकी और आप डिवाइड करेंगे सिक्सटी को थर्टी से से टू मिलियन की आ गई इक्यूमटी डेप्रिसिएशन जो है वो बन जाएगी आपकी सोलह पहले थी तो ये देखिए यहाँ पर सोलह है पहले तो आप इसमें ऐड ऑन कर लें तो बाकी जो है अट्ठारह हो जाएगी उसके बाद आई एफ आर एस नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्काउंटेड ऑपरेशन रिक्वायर्स प्लांट हुज कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू द सेल रादर दैन यूज टू बी क्लासीफाइड एज हेल्ड फॉर सेल यानी इसका भी स्टैंडर्ड है कि अगर आप एक नॉन करंट एसेट्स को सेल्स के लिए अलग करते हैं तो आप उन्हें उसको अलग से दिखाना है और उसकी देखिए प्लांट हेल्ड फॉर सेल ये सिक्सटीन मिलियन का उसके अगेंस्ट कॉस्ट है सिक्स मिलियन की तो उसकी कैरिंग वैल्यू टेन है ठीक है अब आपने इसको यहाँ से निकालना देखिए मैंने इसमें माइनस करके दिखा दिया हुआ है कि इसमें से निकाल लिया हमने वैन क्लासीफाइड एज फॉर कंटिन्यूइंग यूज़ एंड इट्स फेयर वैल्यू है लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एसेट्स क्लासीफाइड हेल्ड फॉर सेल वुड नॉट बी डेप्रिसिएटेड ये भी एक पॉइंट नोट करें कि बाकी का जो प्लांट बचा है ना फिफ्टी मिलियन का उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुई ट्वेंटी और बाकी थर्टी तो थर्टी को आप डेप्रिसिएट करेंगे आप तो वो बन जाएगा आपका सिक्स मिलियन जो कॉस्ट में ऐड हो गया लेकिन जो आपका सिक्सटीन का है उसको आपने अलग रखना है और उसकी कैलकुलेशन में देखें कि कैसे उसमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होता है हैल्थ पर भी और देखें द कंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ प्लांट विल हैव हैवे डेप्रिसिएशन ऑफ़ सिक्स मिलियन वो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी डिविंग एक्यूमुलेटेड ट्वेंटी सिक्स मिलियन the total accumulated depreciation of property plant and equipment is 44 million 18 plus 26 plant held for sale must be noted at 6.9 सिक्स पॉइंट नाइन कैसे आया दस मिलियन का उसमें से आपने डेप्रिसिएशन निकाल दी उस पीरियड उस पीरियड की जब जो पीरियड लास्ट पीरियड उसमें से निकाली तो आपका 8 आपको बनता था आठ मिलियन अब आप को दे रहा है सेवन पॉइंट फाइव मिलियन तो इसमें से आप उसका कमीशन निकाल दें पॉइंट सिक्स मिलियन तो बाकी बचता है सिक्स पॉइंट नाइन आप अब इसको कंपेयर करें तो इसमें से आप ये निकाल दें सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन तो बाकी जो है वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा और वो आपको अलग से इनकम स्टेटमेंट में अब दिखाना पड़ेगा लॉस सो फॉर डिवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज कंसर्न ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये पाँच सालों में राइट ऑफर होना था लेकिन दो साल गुजर गए हैं तो बाकी आपका सोलह बनता है सोलह के अगेंस्ट चालीस चालीस में से सोलह निकालें तो अठारह बनता है द कैरिंग वैल्यू इज एटीन वैम दिस रिटर्न ऑफ फॉर नेक्स्ट टू ईयर तो ये अट्ठारह आपका आगे बैलेंस शीट में जाएगा थैंक यू वेरी मच